हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज मैं अपने फिजिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करूं, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से उत्पन्न बीमारी कोविड-19 को फेस कर रहा है। हमारा देश भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील किया है। हम सभी अपने घर में बंद हैं, लेकिन ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जिसके कारण हमारी इंटरनेट से या मोबाइल से हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये अपील करना चाहता हूँ, इस बात के लिए आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आज आप सभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर में हैं। इस टाइम को आप नॉन प्रोडक्टिव वर्क में वेस्ट मत करिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बीच मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड फिजिक्स के मैक्सिमम टॉपिक आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, करा दूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइम को यूज़ करिए और यूट्यूब के माध्यम से आप लेक्चर को देखिए और पढ़िए। यदि आपको किसी टॉपिक पर 9 से 12 क्लास तक का फिजिक्स के सारे कंटेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, यदि आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर उसको लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी उसको फुलफिल कर सकूँ और आप अपने टाइम का बेहतर यूज़ कर सकें। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ 12th फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज स्टार्ट करता हूँ। 12th क्लास के सिलेबस का नियर अबाउट 75 से 80% तक का जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कवर करता है। आज के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फंडामेंटल पर आपसे बात करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से इस लेक्चर को सुनिए और अपने बेसिक क्लियर करिए, ताकि आगे आपको 12th फिजिक्स पढ़ने में आसानी हो। आज मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले हम प्रॉपर वे में किस तरह से जाने, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे यूनिवर्स में एनर्जी के बहुत से फॉर्म हैं, उसमें से एक फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी भी है। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत से साइंटिस्ट ने, उसके ज़्यादा हिस्ट्री पर ना जाके मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि यूएसए में एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस कराया। इनके साथ घटी एक घटना है, ये एक बार पतंग उड़ा रहे थे, इनका पतंग बहुत हाइट में था और अचानक मौसम बदलने से आसमान में बिजली चमकने लगी, लाइटनिंग होने लगा और इनका पतंग ऊपर था, ये थ्रेड पकड़े हुए थे। तो जितने बार भी स्काई में लाइटनिंग होता था, बिजली चमकती थी, तो इनको अपने थ्रेड से एक अजीब तरह का एहसास होता था, जो इलेक्ट्रिक शॉक था। तो उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि स्काई में एक्चुअल में जो हमको लाइट दिखाई देता है वो लाइट नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराया और इस बात को लेके आगे बहुत से वैज्ञानिकों ने फिर लैब में इस पर एक्सपेरिमेंट किया। और लैब में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें एक पहला एक्सपेरिमेंट इस तरह से था, एक थ्रेड ले लिया और थ्रेड में एक ग्लास के राड को हम फला लेन क्लास से या रेशमी कपड़े से इस तरह से फ्रिक्शन कराया और फ्रिक्शन करा के इस ग्लास राड को फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया। इसके बाद हमने एक और ग्लास राड लिया और उस ग्लास राड को भी हमने फला लेन क्लास से रब करके इस तरह से इसके पास मिलाया। तो यहाँ पर देखा गया कि जब इस राड को हम इसके पास मिलाते हैं तो ये राड इस राड को रिपल करता है। यहाँ रिपल्सन होता है और यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाता है, ये इसको रिपेल करता है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे तरीके से करते हैं। हमने इस तरह से एक ग्लास राड को एग्जैक्टली उसी तरह से फला लेन क्लास से रब करके फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया और अब हमने इसके पास में ग्लास राड ना ला के यहाँ पर एबोनाइट का राड लाया। एबोनाइट एक तरह का मटेरियल होता है ग्लास की तरह, तो हमने यहाँ पर एबोनाइट राड को ला के देखा। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि ग्लास राड और एबोनाइट के राड के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया।
इस तरह से ये इवेंट लैब में देखा गया। इस इवेंट के बाद ये बात डिक्लेयर हो गया कि इनके बीच में रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, दैट मीन्स टू टाइप्स के फोर्स हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन। तो इनके पास जो बेसिक फ्रिक्शन के बाद इसके बाद जो बेसिक प्रॉपर्टी डेवलप होगा हो रहा होगा वो भी टू टाइप्स का था। और यहाँ डिक्लेयर किया गया कि आफ्टर फ्रिक्शन ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पर ग्लास रॉड में पॉजिटिव और एबोनाइट रॉड में निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए इसके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से चार्ज के कॉन्सेप्ट आए, चार्ज आफ्टर फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से चार्ज डेवलप होता है, और ये टू टाइप्स होता है। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, पहले चार्ज को हमने पॉजिटिव चार्ज कहा, एंड सेकंड इज निगेटिव चार्ज। इस तरह से दो चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। और स्टार्टिंग में जो इसको डेफिनेशन दिया गया इस एक्सपेरिमेंट के बेस में वो ये था कि आफ्टर फ्रिक्शन ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिव होता है, और एबोनाइट रॉड में जो चार्ज डेवलप होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर सही नहीं था। आगे चल के जब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आया, मॉडर्न फिजिक्स में जब चार्ज को डिफाइन किया गया तो अलग ढंग से किया गया, लेकिन ये इसका बेसिक हिस्ट्री है, यहीं से पता चलता है। और यहाँ पर एक बेसिक चीज़ हमको ये पता चल रहा है कि चार्ज डेवलप होने का जो बेसिक रीजन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है, वो है फ्रिक्शन। इसलिए हम इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आफ्टर फ्रिक्शन डेवलप होता है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसका मॉडर्न थ्योरी क्या है, कि जब हमको ये पता चल गया कि फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है तो आखिर फ्रिक्शन से हो क्या रहा है। जब टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल में, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस में हम फ्रिक्शन कराते हैं तो होता क्या है। इसका फर्स्ट जो थ्योरी आया वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। दिस इज द मॉडर्न थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो यहाँ पर यह देखा गया कि फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, तो फ्रिक्शन से हुआ क्या। तो सपोज अपने पास किसी एक मटेरियल का एक कोई एटम है और ये किसी दूसरे मटेरियल का एटम है। ये बात हमको पता है कि इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने न्यूक्लियस के साथ में लूजली बाउंडेड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत पुअर होता है। और जब इसके बीच में रिपल्सन कराया जाता है, सॉरी इसके बीच में जब हम फ्रिक्शन करते हैं, तो आफ्टर फ्रिक्शन सपोज हमने दोनों एटम में फ्रिक्शन कराया, तो फ्रिक्शन कराने से क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक्सटर्नल एनर्जी गेन कर लेते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी गेन करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और किसी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे को ज्वाइन कर लेता है। इस तरह से जब हमने इसे फ्रिक्शन नहीं कराया था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें फ्रिक्शन कराया तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे एटम में चला गया। इस तरह से इस एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज कम हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने रिसीव किया, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए। तो आफ्टर फ्रिक्शन ये पहला जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा और दूसरे नंबर का जो एटम है वो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। दैट मीन्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज आफ्टर फ्रिक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल, हु लूज इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड हु गेन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज। फ्रिक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा, रिसीव करेगा, वो निगेटिव चार्ज कहलाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। आज हम अपने इस लेक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको आगे मेन टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा, इस पर मैं डिस्कस करूँगा, आप उसको बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। जब चार्ज डेवलप हो गया तो किसी भी एटम में जो टोटल चार्ज था, टोटल क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ये कितना था, इसका जो कॉन्सेप्ट आया
उसको अपन कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज? दैट मीन्स क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, वेयर क्यू इज टोटल चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, हियर एन इज इंटीजर वैल्यू, एन इन इंटीजर एंड ई इज चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। दैट मीन्स द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी चार्ज बॉडी, द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी चार्ज बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल, ई के साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसका वह इंटीजर मल्टीपल होता है, यह कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यदि हम इस पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करूं तो इस थ्योरम का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी चार्ज बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा वह 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e, प्लस माइनस 4e, दैट मीन्स इंटीजर मल्टीपल होगा, वो फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकता। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों पहले पता चला है कि कुछ एटम्स हमको ऐसे मिले हैं जिसमें जो इसका मल्टीपल है इंटीजर ना होके फ्रैक्शन मल्टीपल है, उसको हम एक नया नाम देते हैं और उसको बोला जाता है क्वार्क। और अभी तक के टू टाइप्स के क्वार्क्स अपने को पता चला है, +-1/3e एंड +-2/3e, दिस इज द फ्रैक्शनल, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन ये कुछ ही एटम में मिलता है। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि टोटल चार्ज किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है ये कि क्वार्क के कंडीशन में ऐसा होता है, ये कहलाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ये जो फार्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस फार्मूला के हेल्प से कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस फार्मूला को मैं यदि एन के फॉर्म में लिख दूं तो एन इक्वल टू हो जाता है क्यू अपॉन ई। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं कि सपोज हमने टू बॉडी को फ्रिक्शन कराया, तो फ्रिक्शन कराने से उसमें इतना चार्ज डेवलप हो गया, आपको अमाउंट ऑफ चार्ज दे देगा और बोलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इस फार्मूला से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रिक्शन के बाद जितना चार्ज डेवलप होगा उसका वैल्यू आप यहाँ पर पुट अप कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट अप करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सपोज ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका डेसिमल में मिलता है तो आप उसको सिग्निफिकेंट नंबर से इंटीजर कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर कैन बी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो टोटल इंटीजर वैल्यू में ही होगा। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आएगा, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बात आपको पहले से पता है, कंजर्वेशन आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब होता है उसके अमाउंट को कांस्टेंट रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ये सपोज एक एटम है, ये दूसरा एटम है, हमने इसमें फ्रिक्शन कराया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज अभी हमने देखा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, इसने दिया इसने लिया, एक दे रहा है एक ले रहा है, लेकिन टोटल इस आइसोलेटेड सिस्टम का
द टोटल सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितने पार्ट्स की जरूरत है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ये टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसने दिया इसने लिया तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट होगा। तो एक लाइन का इसका प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब एक ने दिया दूसरे ने लिया लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तो उतना ही है जैसे जितना फ्रिक्शन से पहले था उतना फ्रिक्शन के बाद। टोटल चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज दैट मीन्स द इफ वी हैव टू आर मोर देन टू चार्जेस आइदर पॉजिटिव आर निगेटिव देन टोटल चार्ज इज एलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल चार्ज अमाउंट। दैट मीन्स क्यू इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस एंड सो ऑन क्यू एन। सपोज अपने पास एन चार्ज पार्टिकल हैं और सभी एन चार्ज पार्टिकल को हम कंबाइन कर दें तीन पर जो टोटल चार्ज होगा वो उनके सबके एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स सपोज इफ वी हैव क्यू आर इक्वल टू प्लस टू क्यू चार्ज, क्यू टू इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज, क्यू थ्री इक्वल टू प्लस फोर क्यू चार्ज, क्यू फोर इक्वल टू माइनस फाइव क्यू चार्ज। सपोज इस तरह से अपने पास फोर चार्जेस हैं तो इनका एडिटिव नेचर एडिटिविटी नेचर क्या कहलाएगा, टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू इनका सम हो जाएगा लेकिन विथ साइन, इसको हम कैपिटल क्यू सपोज रिप्रेजेंट कर दें तो सब का सम होगा लेकिन विथ साइन। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस प्लस लिखा है लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरह बिहेव करेगा तो ये हो जाएगा टू क्यू माइनस क्यू प्लस फोर क्यू माइनस फाइव क्यू। इसको आप सॉल्व कर लेंगे प्लस प्लस एड हो जाएंगे, ये हो जाएगा सिक्स क्यू माइनस सिक्स क्यू, दैट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज जीरो। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी नेचर ऑफ द चार्ज। इस तरह से हम चार्ज को एड कर सकते हैं विथ साइन। क्लियर, ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाने में ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। अब देखो अब आगे हम बात करते हैं, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है जिसको कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने दिया, एक्चुअल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट पार्ट है, अभी आपको मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट है जिसका सारा कॉन्सेप्ट कुलाम्स ला पर डिपेंड होता है। पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ाई करेंगे इस पार्ट में फर्स्ट में उसका मेन रूल है कुलाम्स ला। तो आज हम अब डिस्कस करते हैं कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन के चैप्टर में न्यूटन्स का रूल पढ़ा होगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये जो रूल है उसी रूल को बिलोंग करता है कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो कुलाम ने क्या बताया कि सपोज हमारे पास टू चार्ज है, एक मैंने ये क्यू वन चार्ज लिया, सपोज ये क्यू वन चार्ज है और ये सपोज क्यू टू चार्ज है, ये हमने टू चार्जेस लिया। सपोज ये चार्ज दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस सपोज आर है, ये मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो सपोज एफ है। ये फोर्स एफ अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। इफ क्यू वन एंड क्यू टू आर लाइक चार्जेस देन फोर्स इज रिपल्सन एंड अनलाइक चार्जेस देन फोर्स इज अट्रैक्शन। तो कुलाम ने बताया कि सपोज टू चार्जेस एक दूसरे से एफ आर डिस्टेंस पर हैं और उनके बीच में एफ फोर्स लगा हुआ है तो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू। यदि हम इसको इनवर्ड बोलें तो क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन आर रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, अट्रैक्शन आर रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द
आर स्क्वायर, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इस पॉइंट के कारण इसको इनवर्स मतलब वन अपन और स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर, इसीलिए इस रूल को कूलाम ने कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यदि दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ कंबाइन करके बोलें तो क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यदि दोनों रूल को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन कर दें तो हमको ये रिलेशन मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। दैट इंप्लाइज इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो एफ इक्वल यहाँ एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एफ इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। यहाँ पर के क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। बाद में कूलाम ने इसको सी जी एस सिस्टम और एस आई सिस्टम में के का वैल्यू फाइंड किया। तो फॉर सी जी एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम में इन्होंने बताया कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वन, देयर फॉर एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डाइन, क्योंकि ये सी जी एस सिस्टम में है। तो सी जी एस सिस्टम में इनके बीच लगने वाला फोर्स क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बट इन एस आई सिस्टम, एस आई सिस्टम में कूलाम ने बताया कि के का जो वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट वेयर एप्सिलॉन नॉट इज हियर, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर एयर आर वैक्यूम, फॉर एयर आर वैक्यूम मतलब ये जो कांस्टेंट होगा वो सिर्फ एयर आर वैक्यूम के लिए होगा। तो इस तरह से के का वैल्यू उन्होंने बताया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका न्यूमेरिक वैल्यू बताया नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देयरफॉर फर्स्ट एफ इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये इसका जो वैल्यू होता है के का इतना होता है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85, न्यूमेरिक वैल्यू इज 10 to the power -12, दैट मीन्स नियर अबाउट 9 into 10 to the power -12। ये सब वैल्यूज अब जब आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, इसलिए आपको ये सब वैल्यू लर्न करते जाना है कि 1/4 πε0 का वैल्यू कितना होता है, यहीं से εr का वैल्यू हमको फाइंड होता है। तो ये फाइनल इक्वेशन है इसका, ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ इसका जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 πε0 क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें एक स्पेशल केस पर हम डिस्कस करते हैं, द डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट चार्ज। देखिए यूनिट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसका पोल स्ट्रेंथ चार्ज स्ट्रेंथ वन हो, वन चार्ज स्ट्रेंथ हो वो यूनिट चार्ज कहलाएगा। तो हम इस रिलेशन के बेस पर यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ। इफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इज एफ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, सपोज दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये जो कांस्टेंट है वो ओनली फॉर एयर आर वैक्यूम है, नॉट एनी मीडियम। देन इफ एफ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज 1 मीटर, सपोज 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं, एयर आर वैक्यूम में है और दोनों जो चार्जेस हैं क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स इक्वल एंड लाइक चार्जेस, दोनों चार्ज पोल स्ट्रेंथ चार्ज स्ट्रेंथ में इक्वल हैं और वो क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं, दैट मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों निगेटिव चार्ज हैं। ये कंडीशन हम इस फार्मूला में अप्लाई कर दें
तो फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल, इसका भी वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू इंटू क्यू अपॉन 1। अब इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1, दिस इज यूनिट चार्ज। अब हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए आप ध्यान देंगे, देखो फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है तो आप कभी भी डेफिनेशन को रटिए मत, उसको रटिए मत, उसको समझिए। जब तक आप किसी कंडीशन को कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे तब तक आप फिजिक्स प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आप यदि किसी फैक्ट को रट लिया, आपने लर्न कर लिया, तो बाद में आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैं यूनिट चार्ज को डिफाइन करूँगा तो आप ध्यान देंगे कि मैं किस तरह से डिफाइन करता हूँ। देखो ये हमारे कंडीशन है जिस पर हमने बात किया, ये इसका कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है। तो मैं कंडीशन पर बात करता हूँ, देखिए हमारे जो चार्जेस हैं, हमारे चार्ज हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, एयर आर वैक्यूम में, कितने डिस्टेंस में रखे हुए हैं, 1 मीटर डिस्टेंस में रखे हुए हैं। इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और चार्जेस कैसे हैं, इक्वल एंड लाइक चार्जेस हैं। अब ये सारे सिचुएशन को हम इनवर्ड सिस्टमेटिक बोले तो क्या बोलेंगे, इफ टू, यहां से मैं बोलना स्टार्ट करता हूं, देखिए इफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस, इफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस केप्ट 1 मीटर अपार्ट, केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन एयर आर वैक्यूम एंड दे रिपल टू ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, देन द चार्जेस आर कॉल्ड यूनिट चार्ज। दैट मीन्स यदि दो इक्वल और लाइक चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस में रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो दोनों चार्ज क्या कहलाएंगे, यूनिट चार्ज कहलाएंगे, तो वो चार्ज यूनिट चार्ज कहलाएंगे। क्लियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज एंड दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर, अब देखिए कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बाद, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के बाद हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी पर अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। देखिए इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसके बाद अपन इंटेंसिटी पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए मैथमेटिकल टर्म एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड p इक्वल टू 2QL, 2QL यहाँ पर देखिए क्या है, q क्या है, l क्या है, देखिए यहाँ पर सपोज हमारे पास टू इक्वल चार्जेस हैं, ये प्लस q चार्ज है, ये माइनस q चार्ज है, एक पॉजिटिव बिहेवियर का है, ये निगेटिव बिहेवियर का है, लेकिन दोनों चार्ज इक्वल हैं, स्ट्रेंथ में इक्वल हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया है 2L, सपोज दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वह ये दोनों के बीच के डिस्टेंस, दैट मींस 2L, एक्चुअल में ये इस तरह से बना है q इंटू 2L, जिसको हम कह देते हैं 2QL, 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड q इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज इफेक्टिव लेंथ एंड इफेक्टिव डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे फार्मूला डेरिवेशन में हम इसको यूज करेंगे। और ये जो पी होता है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आप बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये भी ध्यान में रखेंगे, इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं जहां तक समझता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि किसी स्टूडेंट को यदि इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, देखो किसी डेफिनेशन को रटना अलग मैटर है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल अलग मैटर है। तो यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब तक आपको इंटेंसिटी अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे के चैप्टर को समझ ही नहीं सकते, फिर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर सब में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। पहले यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है, देखो फिजिक्स समझने का या किसी भी सब्जेक्ट को समझने का सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि आपको उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो टर्म्स आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम बहुत सारे टर्म्स को, बहुत सारे वर्ड्स को अपन में ब्रेन में ठूस लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि वो है क्या, इसीलिए हमको किसी भी सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम आता है। तो मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि कभी भी आप, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट ओनली फिजिक्स, यदि आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप जूलॉजी, बॉटनी या फिर ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका पहला, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें एक टर्म्स यूज होते हैं और आपको सबसे पहले उस टर्मिनोलॉजी पर कमांड करने का कोशिश करना चाहिए। जैसे हम बार बार इंटेंसिटी इंटेंसिटी बोल रहे हैं लेकिन हमको बिल्कुल भी ये नहीं पता कि इंटेंसिटी क्या होता है। हम यहाँ पर एक वर्ड लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमको कभी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप कभी भी अपने आप को टर्म्स को समझने में आप फोकस करिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटेंसिटी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो किसी भी फील्ड का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के ग्रेविटी के सराउंडिंग में चारों तरफ जहां तक अर्थ का ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। एग्जैक्टली वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि सपोज मेरे पास यहाँ कोई एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज प्लस क्यू, ये मैंने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लिया, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट शो करेगा। तो सपोज ये उसका यहाँ तक उसका इफेक्ट है, तो ये जो मैंने बाउंड्री लाइन बनाया वो कहलाएगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि हम इस लाइन से बाहर जाएं तो इस चार्जर का वहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी को समझने के लिए हमको एक और टर्म समझना पड़ेगा, वो टर्म है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज तो अभी हमने पढ़ा लेकिन यूनिट चार्ज उस तरह के यूनिट चार्ज नहीं, ये है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। एक्चुअल में टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि हम उसको टेस्ट करते हैं, इंटेंसिटी को टेस्ट करने के लिए उसके टेस्ट चार्ज होते हैं यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज लेकिन इसका नेचर होगा ऑलवेज पॉजिटिव, यूनिट चार्ज मतलब नॉट नेगेटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये एक कन्वेंशन है, एक परिपाटी है, इसको माना गया है विदाउट एनी रीजन, इसको माना गया है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, मतलब किसी भी पॉइंट पर जब हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है तो हम वहाँ पर एक यूनिट चार्ज इमेजिन करते हैं और वो जो यूनिट चार्ज इमेजिन करते हैं वो चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता है, नॉट नेगेटिव नेचर। तो आज के बाद अब इस बात को ध्यान रखना कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं कहीं पर टेस्ट चार्ज इमेजिन करता हूँ। सपोज ये इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है, सपोज ये टेस्ट चार्ज का पॉइंट है, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं, मैंने वहाँ पर बताया कि टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वही फोर्स क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान देकर आप इस बात को सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई भी टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स इंटेंसिटी कहलाएगा। दैट मीन्स इंटेंसिटी इज ऑल्सो ए फोर्स, ये कोई नया, बहुत ये कोई नया अद्भुत चीज नहीं है, ये फोर्स ही है, फोर्स का दूसरा नाम है ये,
फोर्स का दूसरा नाम है इंटेंसिटी, लेकिन किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह का फोर्स है? विच इज एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज, नॉट एनी अदर चार्ज। तो अब हम इसका सिस्टमेटिक डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाई एनी टेस्ट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ कोई भी टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितना फोर्स अप्लाई होता है उस पर, जितना फोर्स लगता है, वही फोर्स क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। अब इसके हम यदि मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो हमको कूलम्स लॉ से पता है कि टू चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो एफ इक्वल टू होता है 1/4πε0Q1Q2/r2। लेकिन हम इस केस में क्या बता रहे हैं, इस केस में बता रहे हैं कि इफ दूसरे नंबर का जो चार्ज है वो यूनिट है, क्योंकि यह टेस्ट चार्ज है। तो यदि हम दूसरे नंबर के चार्ज को यूनिट कर दें तो यूनिट करने पर यह चार्ज 1 हो गया। अब इस फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1/4πε0Q1/r2, ये हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर सिंगल चार्ज है तो Q1 को Q, वरना लिख के Q लिख दिए, और इस कंडीशन में इंटेंसिटी कहलाता है और इंटेंसिटी का सिंबल होता है AE। अब इसको हम F से रिप्रेजेंट ना करके E बोलेंगे। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है 1/4πε0Q/r2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अभी हमारा आगे का पूरा टॉपिक इसी फार्मूला पर बेस्ड होगा। यदि इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो दूसरे फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, यदि दोनों तरफ फिर मैं Q चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स बन जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू E इक्वल टू F। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम E कह सकते हैं, E इक्वल टू एफ अपान क्यू। मैं स्टार्टिंग से इसी बेस पर आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि चार्ज यदि यूनिट हो जाए तो फोर्स ही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। हमने स्टार्टिंग में यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट किया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट चार्ज इज इंटेंसिटी। तो आप ध्यान रखिए, आपको इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि आप इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे तो आपको आगे का चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। एक बार मैं और इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इंटेंसिटी एक्चुअली एक फोर्स है, इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स है। कैसा फोर्स है, जो यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल उसको बताऊँ, मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ, जिस हाल में मैं अभी खड़ा हूँ, सपोज वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा मार्कर सपोज टेस्ट चार्ज है, तो ये मेरा मार्कर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर जितना फोर्स महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। दैट मीन्स इंटेंसिटी इज ए फोर्स, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि आगे कई जगह जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो जैसे अपने को वर्क कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क, तो वर्क में फिर हम इंटेंसिटी लिख देंगे तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने इंटेंसिटी कैसे लिख दिया। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंटेंसिटी फोर्स ही है। तो कहीं पर हम वर्क निकालने के लिए फोर्स के जगह इंटेंसिटी पुट अप करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ जाना है कि इंटेंसिटी भी फोर्स है, लेकिन वो फोर्स है जो यूनिट चार्ज पर लग रहा है। बस डिफरेंस इतना है, किसी कॉमन चार्ज पर लगता है तो हम उसको फोर्स कह देते हैं, लेकिन वही फोर्स यदि किसी यूनिट चार्ज पर लगता है तो हम उसको इंटेंसिटी कहते हैं। ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आज मैं छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैंने अपने लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ही आपसे बात कहा कि 12th फिजिक्स का 80% नियर अबाउट 80% जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, और ये उसका पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है। यदि यहाँ से आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है तो आपको पूरे 12th के फिजिक्स को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम
रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी एंड इट रिप्रेजेंटेड बाई के आर एप्सिलॉन आर। हम कई जगह कई राइटर उसको के से और कई जगह हम उसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये कांसेप्ट क्या है। सपोज अपने पास टू चार्जेस हैं, ये Q1 चार्ज है और ये अपने पास Q2 चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज R है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सपोज ये चार्ज अभी एयर R वैक्यूम में रखे हुए हैं, सपोज या एयर आर वैक्यूम में है, ये दोनों चार्ज को हमने अभी एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब सपोज हमने इसको मैंने कह दिया VAC, F VAC दैट मीन्स फोर्स इन एयर आर वैक्यूम, ये ध्यान रखेंगे आप। अब सपोज हमने इसी को किसी मीडियम में पुट अप कर दिया, सपोज हमने ये दोनों चार्ज को उठाया और उतने ही डिस्टेंस में हमने किसी मीडियम में, सपोज इथर में, एल्कोहल में, किसी मीडियम में हमने उसको रख दिया, तो उस समय जो फोर्स लगेगा ये मैंने लिखा FMED, दैट मीन्स फोर्स इन एनी मीडियम, दिस इज द फोर्स इन एयर आर वैक्यूम, दिस इज द फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फार्मूला में मैंने जो एप्सिलॉन आर लिखा है, ये जो एप्सिलॉन आर लिखा है ये जो कांस्टेंट है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आर फॉर रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या करें, इस रिलेशन में इस रिलेशन को डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, ये रिलेशन नंबर सेकंड है, तो सेकंड नंबर के रिलेशन में हमने डिवाइड कर दिया रिलेशन फर्स्ट को, सेकंड रिलेशन में रिलेशन फर्स्ट को डिवाइड, एक्सियल पोजीशन, कैलकुलेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या कहलाता है, सपोज वी हैव टू चार्जेस प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सपोज 2a, 2a इज डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस इज द मिड पॉइंट AB, वो इज द मिड पॉइंट विच इज न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस सेम होता है, मिड पॉइंट होता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A। अब एक्सियल पोजिशन का मतलब क्या होता है, AB को मिलाने वाला जो लाइन है इस लाइन को यदि मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये इसका एक्सिस कहलाता है, दैट मीन्स एक्सियल। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने गॉस थ्योरम पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा, और कूलम्स लॉ में हमने उसके दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ा, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। तो इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इसके जो स्पेशल केस हैं, स्पेशल कंडीशंस हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन एट द पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सियल पोजिशन क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, एक हमने प्लस क्यू चार्ज लिया और एक चार्ज लिया माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज 2a है और ये इसका मिड पॉइंट है वो जो कि न्यूट्रल पॉइंट है। सपोज प्लस क्यू चार्ज a पॉइंट पर रखा हुआ है और माइनस क्यू चार्ज b पॉइंट पर रखा हुआ है। अब हम इसके एक्सिस को, दैट मीन्स AB पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को यदि आगे एक्सटेंड करें तो ये इसका एक्सिस कहलाता है, और इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो कहलाता है एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ हम एक इमेजिन करते हैं, कंसीडर करते हैं, सपोज यहाँ पर P एक पॉइंट है और इस P पॉइंट पर अपने को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहाँ हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
दैट मीन्स टेस्ट चार्ज हम कंसिडर करेंगे। तो सपोज यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि पॉजिटिव नेचर का है, तो इस टेस्ट चार्ज को ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव टाइप का है। तो सपोज इसके लिए इंटेंसिटी है ई माइनस क्यू, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसको रिपल करेगा, तो ये इसका डायरेक्शन होगा और इसका वैल्यू है सपोज ई प्लस क्यू। तो ई माइनस क्यू एंड ई प्लस क्यू आर टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हमको यहाँ इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस वो भी डिस्टेंस ये हो जाएगा, और सपोज यहाँ से इसके मिड पॉइंट से जो हम यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं उस डिस्टेंस को सपोज हमने सपोज कर लिया आर। सपोज इसके न्यूट्रल पॉइंट से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो आर है। देयरफॉर ई माइनस क्यू इक्वल, ई माइनस क्यू का वैल्यू कितना होगा? देखिए इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो माइनस क्यू चार्ज और पी चार्ज के बीच का डिस्टेंस है पी बी, ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज पी टू बी, क्योंकि इसका डायरेक्शन पी से बी की ओर है। दैट इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन द वैल्यू ऑफ पी बी। ये जो पी बी का वैल्यू होगा आप यहाँ पर देखिए, ये टोटल वैल्यू आर है और ओ से बी तक का वैल्यू ए है, तो आर में ए माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ई माइनस क्यू। ई इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट इज ई प्लस क्यू, अगेन ई प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है और पी पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा पी ए, या इसको हम ए पी कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ए से पी की ओर है। ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर और डायरेक्शन है टूवर्ड्स ए टू पी। दैट इक्वल 1/4πε0 क्यू अपॉन, यहाँ ए पी का वैल्यू कितना होगा देखिए फिगर में, यहाँ से ए पी ए डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तो आर है और ये डिस्टेंस है ए, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए। यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे आर प्लस ए होल स्क्वायर रिलेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखिए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो डायरेक्शन जब जस्ट अपोजिट होता है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई इक्वल ई, यहाँ पर देखिए ई प्लस का वैल्यू ई माइनस क्यू का वैल्यू ये है और यहाँ पर ई प्लस क्यू का वैल्यू ये है। तो ई माइनस क्यू जब हम फाइंड करते हैं ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस जब स्मॉलर होगा तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इंटेंसिटी इज इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। ये यहाँ पर सिंस ई माइनस क्यू इज ग्रेटर देन ई प्लस क्यू, यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे। दैट इक्वल यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे तो देखो दोनों में जो कॉमन वैल्यू है उसको हम बाहर कर देते हैं, तो कॉमन वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये 1/r-a होल स्क्वायर, 1/r-a होल स्क्वायर माइनस 1/r+a होल स्क्वायर। दैट इक्वल 1/4πε0 क्यू, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ये इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों का वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये कैंसल आउट होके यहाँ हो जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। अब हम एलजेब्रा के फार्मूला से जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू अपने को फाइंड हो जाएगा। देखिए ई इक्वल 1/4πε0
अंडर ब्रैकेट 4R इंटू ए अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट इंप्लाइज इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अपने को पता है कि 2R a इक्वल टू होता है, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमने क्या देखा था, P इक्वल टू 2QL, दैट मीन्स 2 इंटू चार्ज, सॉरी यहाँ पर हमने Q को भी कॉमन किया हुआ है, यहाँ पर Q भी रहेगा, तो ये हो गया Q, तो यहाँ पर 2QL का वैल्यू P के इक्वल होता है, तो इसको हम इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं 2PA इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इंप्लाइज E इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये जो 2PA का वैल्यू है, 2PA का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 2QA, Q ना, Q का वैल्यू 2QA, तो ये जो 2QA का वैल्यू है उसको हम पुट कर सकते हैं P, तो यहाँ पर हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आया लास्ट में, ये फार्मूला हो जाएगा एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि सपोज 2A इज वेरी लेस देन R, दैट मीन्स आप फिगर में देखिए, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी स्मॉलर देन, ये बहुत छोटा है जिस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं उससे, तो उस कंडीशन में हम ए को यहाँ नेग्लिजिबल मान लेंगे। ए जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो आर स्क्वायर का होल पावर स्क्वायर, दैट मीन्स आर टू दी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से हम एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ अपने को इंटेंसिटी मिल जाएगा ई इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। दिस इज द स्पेशल केस इफ 2A इज वेरी स्मॉलर देन R, वेरी स्मॉलर देन R। तो ये हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन। इस तरह से हम एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, प्लस इस पर जो न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सेकेंड इज न्यूट्रल एक्सिस पोजिशन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजिशन। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वह इसके न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। न्यूट्रल एक्सिस मीन्स जो लाइन इसके न्यूट्रल पॉइंट से होकर जाता है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। सेकंड कंडीशन इज इक्वेटोरियल पोजीशन। यह हम सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन होता क्या है। देखिए यहां पर हम टू चार्जेस कंसीडर करते हैं, प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज, ये इसका एक्सिस है, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है ओ। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या, ये लाइन इसका इक्वेटोरियल आर न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन कहलाता है, ये जो लाइन है जो इसके न्यूट्रल एक्सिस से होके जाता है। तो सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे। टेस्ट चार्ज मैंने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टाइप का होता है, तो सबसे पहले ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसको रिपल करेगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी को हमने सपोज कर लिया ई प्लस क्यू। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई माइनस क्यू। इस तरह से यहाँ पर टू चार्जेस हो जाएंगे। यहाँ सपोज करते हैं कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2A है, तो मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने आर सपोज कर लिया, ये एंगल को हमने थीटा सपोज किया, तो इक्वल डिस्टेंस है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और ये जो एंगल होगा वो इस ट्राइंगल का पी ए बी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ दिस टू एंगल दिस इज टू थीटा एंड इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज सपोज ई। तो ई क्या होगा इसका, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। देखिए ये वैल्यू ए है, ये आर है, तो यहाँ पर पी ए ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए पी इसका हाइपोटेनियस है, तो इसका वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से एक बात आप लोग ध्यान में रखें, कोई भी फिजिक्स में जो बड़ा फार्मूला डेरिवेशन है वो कम्प्लीटली फिगर पर बेस्ड होता है, इसलिए सबसे पहले आपको फिगर पर कमांड होना चाहिए, सारे सिचुएशन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से सिचुएशन पे कौन कौन से फोर्स इंटेंसिटी एक्ट है। अब यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं वन बाई वन, एक बार हम इसके ई प्लस क्यू के लिए, एक बार ई माइनस क्यू के लिए। देयर फॉर ई प्लस क्यू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस जो कि क्या है ए पी, ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज ए टू पी। यहाँ फिगर में देखिए ये इसका डायरेक्शन है, वो ऐसे पी की ओर है। एंड सिमिलरली अगेन ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस क्यू के लिए डिस्टेंस क्या है, देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस है ये पी टू बी पी बी, ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर रिलेशन नंबर फर्स्ट एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम पी टू बी पी बी। ये डायरेक्शन लिखना आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हमको इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये बताना जरूरी है कि डायरेक्शन क्या है। देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई इक्वल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अपने वीडियो में बताया था पैरेललोग्राम ला, और पैरेललोग्राम ला का जो फोर्थ कंडीशन होता है कि सपोज किसी पैरेललोग्राम में टू फैक्टर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन डिफरेंट होता है, तो उनका रिजल्टेंट एक फार्मूला से निकलता है। यहाँ पर देखिए ई माइनस क्यू, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने से पहले हम ये बता सकते हैं कि बट हियर देखिए इस फिगर में ये जो ए पी डिस्टेंस है वो पी बी डिस्टेंस की इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हमको पता है कि पी ए इक्वल टू पी बी। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन को आप देखिए, ये फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन में ये डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर है और सेकंड रिलेशन में देखिए पी बी स्क्वायर है, बाकी जो वैल्यू हैं पहले से इक्वल हैं। हमने यहाँ पर बता दिया ये जो ए पी का वैल्यू है वो पी बी के वैल्यू के इक्वल है, दैट मीन्स दोनों वैल्यू कम्प्लीटली इक्वल हो गए, तो देयर फॉर हम क्या लिख सकते हैं ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, ओनली इन मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन तो दोनों के डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच के एंगल टू थीटा है। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए पैरेललोग्राम ला लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम ला में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि रिजल्टेंट जो होता है वो आर का वैल्यू टू ए कॉस थीटा बाई टू, ये जो वैल्यू है वो रिजल्टेंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों को इक्वल बता दिया, जैसे उस केस में इक्वल टू बी होता है, तो देयरफॉर इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा ई इक्वल टू टू ए, टू ए मीन्स ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ई प्लस क्यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इन टू कॉस थीटा बाई टू, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बट इन दिस केस द एंगल बिटवीन ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू इज टू थीटा, देन पुट अप द वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज टू थीटा बाई टू, दैट इक्वल टू इन टू, अब हम यहाँ पर ई प्लस क्यू का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ई प्लस का वैल्यू अपने पास ये है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर इन टू कॉस, टू टू कैंसिल आउट होगा, हो जाएगा कॉस थीटा, दैट इक्वल टू
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर हम ए पी स्क्वायर का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ फिगर में देखिए, ये ए पी है जो हमने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है। ए पी का वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो रूट वहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ फिगर से देखिए, ये कॉस थीटा है और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस ए है, हाइपोटेनियस का वैल्यू ये है, इसके वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2q इंटू ए, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पी हो गया और अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 1 है और इसमें रूट मतलब पावर हाफ है तो मल्टीप्लाई होने के बाद पावर 8 हो जाएंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये इसका फाइनल इक्वेशन है इक्वेटोरियल पोजिशन का। इस तरह से इक्वेटोरियल पोजिशन में जो इंटेंसिटी होता है इतना होता है। अब हम इसमें स्पेशल के अप्लाई करते हैं जैसे अभी किया था हमने, तो इफ 2a इज वेरी लेस देन r, स्मॉलर देन r, बहुत छोटा है उससे, उस कंडीशन में हम क्या है r को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहां पर देखिए इस कंडीशन में a स्क्वायर का होल पावर 3/2 होगा, यहां पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इंटेंसिटी मिलेगा अपने को e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। ये इसका स्पेशल केस है। आपने इसके पहले के टॉपिक में देखा है कि जब हम एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो उसका वैल्यू आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³, यहाँ पर आया है p अपॉन r³। दैट मीन्स यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक्सियल पोजिशन में इंटेंसिटी होता है वह इक्वेटोरियल पोजीशन का जस्ट डबल होता है, 2 times होता है। दैट मीन्स कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों में से किस पोजीशन पर ज़्यादा इंटेंसिटी होता है, या यदि हमको मोर इंटेंसिटी का फाइंड करना है तो हमको इस पॉइंट को एक्सियल पोजीशन में रखना चाहिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन में रखना चाहिए। तो एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी 2 times ग्रेटर देन इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। क्लियर? इस तरह से ये जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग किया चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट से और ये इसका लास्ट टॉपिक है। देखिए ये हमारा जो पार्ट है वह इंटेंसिटी, जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट में हम चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मेरा जो इसका सेकेंड पार्ट का जो मैंने वीडियो बनाया है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 के नाम से आएगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके सारे टॉपिक्स, मैंने स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट अपने वीडियो में कंटिन्यूस सिलेबस को मैच करके ये बनाया है, और आप इसको यूटिलाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपने बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ा। ओके, थैंक यू।